आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली, एकदम आसान तरीके से और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको किचन में घंटों खड़े होकर। और आप बहुत ही जल्दी से 15 से 20 मिनट में बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। और इतनी टेस्टी ये पाव भाजी बनती है कि आप मार्केट की पाव भाजी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पाव भाजी बनाने के लिए वेजिटेबल्स को मैंने पहले ही कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा बीट रूट, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पाव भाजी में। और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का ग्रेट करके रखा है, इसे ग्रेट करके ही डालेंगे। और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और दो टमाटर लिए हैं जिन्हें कट करके रखा है। आधा कप मैंने मटर और दो आलू लिए हैं, एक शिमला मिर्च, गोभी और तीन मैंने गाजर लिए जिन्हें अच्छे से मैंने कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने दो प्याज को स्लाइस में कट किया है और एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा है। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम पाव भाजी में यूज़ करेंगे। तो चलिए पाव भाजी बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए आज मैंने प्रेशर कुकर यूज़ किया है, तो इसमें 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल रखा था और 2 चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है और साथ में ही डाल दिया है मैंने आधा चम्मच जीरा। अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। बटर और ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है क्योंकि बटर को अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो बटर जल जाता है, तो उसका जो बटरी टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिए हैं स्लाइस किए हुए और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ लहसुन, और लहसुन को मैंने कट नहीं किया है, होल लहसुन ही इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए शिमला मिर्च को भी मैंने डाल लिया है इसमें और इसको अच्छे से चला लेते हैं। और प्याज को हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा हो गया है प्याज। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें टमाटर, ये 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली कट करके रखा हुआ था। और साथ में डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो है ये थोड़ा मैश करेंगे जब तो अच्छे से मैश हो जाएगा। टुकड़ों में अगर डालेंगे तो अदरक जो है वो अच्छे से गलता नहीं है। तो यहाँ देखिए तड़का जो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल दी हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच डाला है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तड़के को हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो हल्का सा इसके ऊपर रख रही हूँ जिससे कि तड़का अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं तड़के को भुनते हुए। तो तड़का देखिए बहुत अच्छे से भुन गया और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तड़के को हम जितनी अच्छे से भूनेंगे पाव भाजी में उतना ही अच्छा कलर और स्वाद आएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तड़के के साथ में भून लेंगे। तो यहाँ देखिए सभी मसाले और तड़का अच्छे से भुन गया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटा हुआ बीट रूट, इससे पाव भाजी में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी होती है उसी तरह का कलर आने वाला है। और साथ में ही मैंने डाल दिया आलू। अब मैं डाल रही हूँ बाकी की वेजिटेबल्स, गाजर, ये 3 मैंने गाजर ली थी, और साथ में ही डाल देंगे गोभी। सब्जियाँ आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो मटर लिए हैं तो वो भी मैं डाल दूँगी, एकदम फ्रेश मटर हैं। थोड़े से मटर मैंने बचा के रख लिए हैं और वो किस लिए बचाए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा कर पका लेते हैं जिससे कि सब्जियाँ जो है वो अच्छे से तड़के के साथ में भुन जाएँ। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा कर देखते हैं। देखिए तड़के के साथ जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि वेजिटेबल में अपना भी पानी होता है तो इसलिए पाव भाजी ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी, तो इतना ही पानी यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्रेशर कुकर का ढक्कन और इसको 4 सीटी आने तक मैं कुक करूँगी। तो यहाँ देखिए 4 सीटी हो चुकी हैं, प्रेशर भी निकल चुका है। तो एक बार पाव भाजी को चेक कर लेते हैं ढक्कन निकाल कर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से
सारी सब्जियां जो है वो कुक हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। तो अब हम करेंगे पाव भाजी को मैश। तो यहाँ पर मैंने मैशर ले लिया है और इसको मैं मैश कर रही हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई हैं सारी वेजिटेबल्स, कितनी इजीली जो है वो जो भाजी जो है वो मैश हो रही है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें मैश कर लेना है। जितने अच्छे से हम वेजिटेबल्स को मैश करेंगे पाव भाजी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसे मैं निकाल कर दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में इसे निकाल लिया है, थोड़ा इजी हो रहा था मुझे इसको कुक करने में। तो देखिए अब ये थोड़ी सी थिक लग रही है हमें, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें इसको और थोड़ा सा कुक करना है। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं भाजी को। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने भून के रखा हुआ था। इसको इसको हाथों से इस तरह से मसलते हुए आप पाव भाजी में डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसे ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। इससे बिल्कुल जो फ्लेवर है एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो हम पाव भाजी खाते हैं वैसे ही टेस्ट आने वाला है इसमें। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है पाव भाजी पे और उसे स्लो गैस पर रख दिया है। और इस तरफ मैं तैयार कर रही हूँ पाव भाजी के लिए मसाला। तो 2 चम्मच मैंने बटर लिया है, बटर जैसे ही मेल्ट होगा साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बटर को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा मेल्ट करते ही प्याज डाल देना है। और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई शिमला मिर्च। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम तड़का तैयार कर रहे हैं, जैसे कि वो तवे पे तड़का लगा के देते हैं पाव भाजी में अलग से, उसी तरह से थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटर डाला है और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और ये जो मटर मैंने बचा कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी में जब हमने मटर डाले थे तो वो मटर बिल्कुल मैश हो जाते हैं। जब तड़के में थोड़े से इस तरह से हम पाव भाजी में मटर डालेंगे तो वो दिखाई देते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए तड़का तैयार हो गया, बिल्कुल हल्का सा हमें पिंक करना है प्याज को, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाल दिया पाव भाजी मसाला और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर इस स्टेज पर आपको अच्छे से भूनना है पाव भाजी मसाले को, तभी आपकी पाव भाजी में जो है टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट जो पाव भाजी में आएगा। तो अब इसको हम डाल देते हैं पाव भाजी में। पाव भाजी भी देखिए कुक होते हुए उसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल स्लो गैस पे। तो इसमें मैं तड़के को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो पाव भाजी हमारी जो है वो तैयार है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्व करते वक्त और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ देखिए पाव भाजी बिल्कुल तैयार है, इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं जिससे कि सारे मसालों का अरोमा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने 5 मिनट स्लो गैस पे कुक कर लिया था। और तड़का पैन में ही मैंने दोबारा से थोड़ा सा बटर डाला है 1 चम्मच के करीब। अब हम इसमें पाव को सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और साथ में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। और बटर को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बिल्कुल जैसे ही पैन में डालेंगे बटर मेल्ट होगा उसी टाइम ही आपको सारे मसाले उसमें डाल देने हैं। और आप पाव को इस तरह से लेंगे और कट करेंगे बीच में से और इस तरह से इसको खोल के पैन में रख देंगे और जो मसाला हमने तैयार किया है उस तरह से इसको पाव पे लगा लेंगे और इसी तरह से हमें पाव को सेकना है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से सिक गया है पाव। तो यहाँ पर एक बार में मैंने 4 पीस जो है वो तैयार किए हैं। तो अब हम पाव भाजी की प्लेटिंग कर लेते हैं, जल्दी से गर्मा गर्म पाव भाजी सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लेटिंग मैंने कर दी है पाव भाजी के साथ में, मैंने थोड़ा सा सैलेड भी रखा है, प्याज टमाटर और नींबू का स्लाइस। और पाव भाजी मैंने सर्व कर कर उस पर थोड़ा सा गार्निश किया है इसको दोबारा से हरे धनिए से, और बटर रखा है। बटर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आप जल्दी से इस तरह से आसान सी पाव भाजी अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।